दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि CCC का सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां पे क्या चीज़ें फिल करके डाउनलोड करना है, यही इस वीडियो में सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आपको CCC का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए CCC का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करना है जो www.nielit.gov.in करके है। ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो सिंपल सा इसको आपको सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको खुल गई, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट जोन पे अपना माउस पॉइंटर अगर आप मोबाइल में खोलना है तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटली सिग्नेचर ई सर्टिफिकेट, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको रेगुलर सर्टिफिकेट ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कोर्स फॉर किसका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इस सिलेक्ट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो जितने कोर्स हैं सभी कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो CCC का है तो यहाँ पे CCC का देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC, सिंपल सा इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कब आप मतलब पेपर जैसे कब आप फॉर्म डाले थे, सिंपल सा इस पर आपको देखिए यहाँ ईयर पूछ रहा है ना, तो कौन से 2018 है कि 2019 20 21, जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दिए होंगे वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका मंथ सेलेक्ट करना है, कौन से महीने में आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। तो आपका जिस महीने में एग्ज़ाम होगा वो डेट यहाँ पे वो महीना यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। तो मेरा देखिए मई था, सिंपल सा मई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, रोल नंबर भी आप दे सकते हैं ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ डाल लेना है आपको। तो चलिए हम रोल नंबर डाल लेते हैं, तो G01855। देखिए ये हम रोल नंबर डाल लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो जो डेट ऑफ बर्थ हो वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब आपको ये कैप्चर डालना है, ये वाला कैप्चर यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए हम ये कैप्चर डाल लेते हैं। देखिए ये कैप्चर हमने डाल लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबमिट जो दिख रहा है सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ये ऑप्शन जब तक आप देखिए जब तक आप ये ऊपर जो डाटा भरे हैं सही नहीं भरेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो सिंपल सा आप किसके गेट वेरिफिकेशन कोड, आप ईमेल आईडी के थ्रू वेरिफिकेशन कोड डालना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, तो हम मोबाइल नंबर से डालना चाहते हैं क्योंकि हमें ईमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा तो उस पर ओटीपी जाएगा, तो हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा तो हम आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हम पहले कैप्चर डाल लेते हैं, ये हम कैप्चर डाल लिए। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, उसी पे ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सेंड एसएमएस जो दिख रहा है सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे लिख रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिए उस पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे नीचे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी डाल लेते हैं, देखिए यहाँ वेरिफिकेशन कोड ओटीपी लिखा है तो हम ओटीपी यहाँ पर डाल लेते हैं। जो ओटीपी आया है हम देख लें क्या ओटीपी आया है, 670702 ये ओटीपी आया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे सबमिट बटन दिखेगा, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या कह रहा है कि इनवैलिड कैप्चर कोड प्लीज़ ट्राई अगेन, तो ये कैप्चर कोड हम गलत डाल दिए थे, फिर से कैप्चर कोड डालते हैं वाई
LNFU, ये कैप्चर कोड डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डिटेल आ गया, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे फाइनली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सारा डिटेल, ये हो चुका है डाउनलोड। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि ये अभी सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है। देखिए सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, अभी सिग्नेचर वेरीफाई नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे सिग्नेचर वेरीफाई करना है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।